कोई यंग लड़का मिलता है, उसको पूछा कि भाई क्या चालू है आजकल, बोलता है स्पर्धा परीक्षा दे रहा हूं। इसका मतलब मैं समझता हूं कि कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि वो टाइम पास करते रहता है। काफी सारे लोग ऐसे हैं कि वो टाइम पास ही कर रहे हैं। देखिए, स्पर्धा परीक्षा देने वाले जो लोग हैं उसमें से 1% लोग ही सिर्फ पास होते हैं, और वो एक्चुअली उनको नौकरी लगती है या वो कंपटीशन में जहाँ भी वो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो उसमें ऊपर चले जाते हैं। बाकी लोगों का क्या है? क्या उसमें मेनली 3 प्रकार के लोग रहते हैं। एक प्रकार के जो बच्चे हैं वो ऐसे हैं कि वो स्वयं प्रेरित हो चुके हैं, स्वयं प्रेरणा जिनको है और उनको खुद को कुछ ना कुछ करके बताना है, इसलिए आए हुए हैं। और वो बहुत मेहनत भी करते हैं, पूरा झोंक के काम करते हैं, झोंक देते हैं, काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। उसमें से काफ़ी सारे लोग पास भी होते हैं। कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि ठीक है करके देखते हैं, जम गया तो जम गया, नहीं जमा तो नहीं जमा, खेती तो है अपने घर पे या दुकान चल रही है उसमें जाके बैठ जाएंगे। अब ये जो है ना, ये प्रॉब्लमेटिक क्लास है, मतलब उनका पहले से ही प्लान भी तैयार है और उनको मालूम है कि देख का मतलब करके देखेंगे जो भी होगा, और उनको जब वो ताकत लगाते नहीं है, जब पढ़ाई भी करेंगे नहीं, उनको मालूम है कि अपना प्लान भी तैयार है, तो प्लान ए में वो कुछ आगे बढ़ते नहीं है और फिर नेचुरली उसमें पास भी नहीं होते। वो दूसरा क्लास है। ये लोग लोड लेने वाले नहीं रहते, ज़्यादा लोड नहीं लेते, वो ठीक है हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं। तीसरा क्लास जो है वो है जिनके पालकों ने, मतलब माँ बाप ने, रिलेटिव या और किसी का देख के वो ज़बरदस्ती इसमें आए हुए हैं उनके कहने पर। अब ये जो क्लास है तो इनको बिल्कुल इच्छा नहीं है, उनको करना भी नहीं है, मगर किसका तो भी देख लिया, माँ बाप ने फोर्स कर लिया, किसी रिलेटिव्स ने फोर्स कर लिया और फिर ज़बरदस्ती इसमें आए हुए हैं। ये बिल्कुल ही पढ़ाई करते नहीं है, बस थोड़ा सा कर लिया तो कर लिया, वो ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, बोलना मैंने तो किया था, पास नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ। तो फिर ऐसे इसमें ये जो नंबर 2 और नंबर 3 का ग्रुप है, इसमें तो कोई ज़्यादा पढ़ा नहीं है, मतलब इसमें तो कोई ज़्यादा पास होने वाले है नहीं, मगर तभी भी इन्होंने ये देखना चाहिए कि भाई अपन ने कितने साल तक ये पढ़ाई करना है या कितने साल बोलना है कि भाई मैं स्पर्धा परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि भाई 3 साल एवरेज में उन्हें देखना चाहिए कि 3 साल देखो कोशिश करके, और 3 साल में कहीं स्पर्धा परीक्षा पास नहीं हुई, कहीं नंबर नहीं लगा तो छोड़ दो, अपने अपने काम पर लग जाओ, ज़्यादा बहुत साल कमाना मतलब नहीं है। और वो भी जो पहला क्लास है कि जो खुद होके स्वयं प्रेरित होके आया हुआ है, उनको तो बहुत हार्डवर्क करने की इच्छा है, उनको तो करना ही करना है। अब ऐसे लोग थोड़ा ज़्यादा भी टाइम ले सकते हैं, 4 साल ले सकते हैं, जहाँ जहाँ फेल हो गए वहाँ वहाँ सीख सकते हैं कि भाई मैंने पिछले बार क्या गलती किया, क्या सीखना चाहिए और आगे कैसे बढ़ना चाहिए। तो डेफिनेटली मैं इसमें बोलता हूँ कि जो प्लान बी तैयार है ऐसे लोग, और जिनको ज़बरदस्ती भेजा है ऐसे लोग अपना खुद का भी नाश कर रहे, टाइम भी बर्बाद कर रहे। करना है तो पूरे जिम्मेवारी से करो, ताकत से करो, और उसमें भी बहुत कम नंबर लोगों के लगते हैं, मतलब 1-2% लोग लगते हैं, बाकी लोग तो लगते ही नहीं है। देखिए ना, बॉम्बे बहुत लोग जाते हैं एक्टर बनने के लिए, कितने लोग एक्टर बनते हैं? बहुत कम। तो जाने के लिए तो बहुत लोग जाते हैं, कितने लोग इलेक्शन में खड़े रहते हैं? बहुत ज़्यादा। कितने एस्पायरिंग है? बहुत ज़्यादा। एक्चुअली वो कौन बनता, आमदार खासदार? बहुत कम। तो बनने वाले बहुत कम है, मगर उसका जो अट्रैक्शन है, जैसे बॉलीवुड का अट्रैक्शन है, IAS अधिकारी बनने का अट्रैक्शन है, IPS अधिकारी बनने का अट्रैक्शन है, इसके लिए लोग दौड़ते रहते हैं। मगर अपन ने अपना एक लिमिट मान लेना चाहिए कि भाई इसके ऊपर मैं जाऊँगा नहीं। ऐसा करेंगे तो ज़्यादा टेंशन का काम नहीं, स्ट्रेस नहीं आएगा, डिप्रेशन नहीं होगा, और आप जल्दी से उसमें से बाहर आके अपने काम धंधे में लग जाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की,
और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।